प्याज की बढ़ती कीमत आम लोगों के आंसू निकाल रही है। देश भर में इसमें तेज उछाल आया है, चाहे इसके खरीदार हो या बेचने वाले सभी परेशान हैं। लेकिन सरकार के पास कीमत कम करने के लिए कोई योजना नहीं। नासिक मंडी में प्याज 6000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच है। मुंबई में 1 किलो प्याज 70 रुपए में मिल रहा है। लखनऊ, पटना और गाजियाबाद में भी कीमत 70 के आसपास ही है। रेट बढ़ गया, बताओ क्या खा ले वैसे महंगाई में, क्या कर ले आदमी है। एक जो 2.5 किलो लगते हैं वहाँ 1 किलो ही लगानी पड़ रही है। सलाद की तो बात अलग है, सब्जी तड़का लगाने में भी नहीं मिलती है। 56 रुपए किलो थोक में माल बेच रहे हैं, वहाँ पे 60 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए तलक का छुआ है। इस वक्त हम हैं ओखला मंडी में, जहाँ पर अभी तक हमने प्याज के 4 रेट सुन लिए हैं, 320, 330, 340 और 350। 350 रुपए किलो, 350 में 5 किलो प्याज बिक रही है। यहाँ पे प्याज 50 किलो बिकती थी, वो 20 या 22 रुपए किलो बिक रही है। जो प्याज आदमी 5 किलो लेता था, वो आधा किलो 1 किलो से ही काम चला रहा है। 60-65 का हो गया है। और प्याज का बहुत तेज भाव है, आज का प्याज का भाव है कोई 65 रुपए किलो। आज आलू लेने आए थे, बट हर सब्जी के डबल दाम जहाँ मिल रहे हैं मार्केट में आज। प्याज की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपए किलो खरीदना पड़ सकता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, चंडीगढ़ से विपिन परमार, लखनऊ से विजय मिश्रा और जम्मू से अजय जांडियाल के साथ दिल्ली से नेहा केसरी की रिपोर्ट। अंदर की बात यह है कि नवंबर तक प्याज की कीमतों में किसी तरह की कमी के आसार नहीं है। अगर सरकार ने बाजार में मौजूद प्याज पर सही निगरानी नहीं रखी तो हाल और बेहाल हो सकते हैं। सरकार कीमतों में इस तेज उछाल से डरी हुई है, लेकिन नई फसल आने में कम से कम 2.5 महीने की देरी होने की वजह से उसके सामने कोई चारा नहीं है। जैसे हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा न बन जाए।